तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजेश कुमार बिहार सारण से। और मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी भी हो रहा है और बहुत सैड फील भी हो रहा है कि मुझे खेसारी भैया ने संघर्ष मूवी में एक रोल के लिए बुलाया था। और मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं बहुत सोचने लगा उस टाइम, क्योंकि भाई हम अभी भी बहुत मुसीबत में हूँ और बहुत सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। तो मैं आप लोगों से राय लेने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे रोल तो मिला और इसी में मेरे 9 मार्च को शादी है और 9 से 11 मार्च तक बिजी रहूँगा उधर, और इधर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो इनको भी भगवान मानता हूँ, अगर इनको छोड़ के जाऊँ तो इनको भी बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जो हैं ये भी एक भगवान के रूप के हैं। तो यहाँ तो अगर छोड़ के चला भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर अगला मेरा बाधा क्या आ गया कि अगला मेरा बाधा इसलिए यह आ गया कि मैं अगर शादी छोड़ के जा रहा हूँ तो आप लोग, ये मुझे पता है कि आप लोग बोलिएगा कि करियर इम्पोर्टेंट है कि शादी। तो इस सवाल का जवाब है कि करियर इम्पोर्टेंट है, ये मुझे पता है, लेकिन शादी तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, ये भी बात सही है, लेकिन मैं अगर शादी छोड़ के जा रहा हूँ तो आप लोग से पहला सवाल है कि क्या ये अच्छा है कि किसी लड़की वालों को अपनी खुशी के लिए दुख देना। और मुझे इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिल पाता, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए, अपने बड़ा प्रमोट के लिए किसी को दुख देना नहीं चाहता हूँ। और मुझे उस लड़की वालों को बहुत दुख लगेगा, क्योंकि मैं अगर एक बार वहाँ चला गया ना तो फिर शादी करने का मौका नहीं मिलेगा इस बार, क्योंकि उनका डेट भी निकल चुका है और शादी भी आ गया, सब शादी का सब कुछ तैयारियाँ हो चुकी है, और वो रोल भी था तो कुछ और रोल मुझे वो खास नहीं मिल रहा था। बस इतना खुशी की बात है कि कम से कम संघर्ष मूवी में उतना तो रोल मिल रहा था मुझे, और ये ही कम्युनिकेशन स्किल्स का कुछ उसमें मैटर था। तो चलिए, आप लोगों को सही राय लेना चाहता था, और आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या मैंने सही किया या गलत। तो ये आगे तक शेयर कीजिए और उसको पहुँचाइए कहीं तक, जिससे मुझे काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि क्या मैंने सही किया या मुझे क्या करना चाहिए था। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।